बच्चों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। और एक्सरसाइज 6.2 की प्रॉब्लम करने से पहले हमें एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और दो महत्वपूर्ण थ्योरम हैं वो अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी ताकि हम एक्सरसाइज 6.2 की प्रॉब्लम्स को भी आसानी से सॉल्व कर सके। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के लिए बेसिक। जहां तक एक्सरसाइज 6.1 की बात है तो हमने एक्सरसाइज 6.1 में बहुभुजों की समरूपता के बारे में बात की थी। हमने बात की थी कि दो बहुभुज समरूप कब होंगे। हमने देखा कि समान भुजाओं वाली दो बहुभुज समरूप होंगी यदि उनके संगत कोण बराबर हो। एक बात और दूसरी बात, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती। तो ये दो नियम है बहुभुजों की समरूपता, क्योंकि त्रिभुज भी एक बहुभुज होती है इसलिए। और हमारा जो चैप्टर है वो त्रिभुज से संबंधित है, तो जो समरूपता का नियम है वो हमारे पास किस पे हमें लागू करना है, त्रिभुजों पे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है त्रिभुजों की समरूपता। तो त्रिभुजों की समरूपता के लिए भी यही बात रहेगी कि दो त्रिभुज है हमारे पास। त्रिभुजों की समरूपता की बात कर रहे हैं हम कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगी। दो त्रिभुज समरूप होंगी जब एक तो उनके संगत कोण बराबर हो और दूसरी बात उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। यानी कि किसी भी बहुभुज के लिए जो समरूपता का नियम है वो सेम है। तो इसी प्रकार दो चतुर्भुज समरूप कब होंगी, जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो ये जो नियम है वो सब पे लागू हो रहे हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है हमारे पास समान कोणिक त्रिभुज। दो त्रिभुजें उनको हम समान कोणिक त्रिभुज कब कहेंगे। दो त्रिभुजों को हम समान कोणिक त्रिभुज कब कहेंगे, जब उनके जो संगत कोण बराबर हो। तो प्यारे बच्चों समान कोणिक त्रिभुज की परिभाषा क्या बनेगी कि दो त्रिभुजें समान कोणिक त्रिभुज होंगी यदि उनके संगत कोण बराबर हो। प्यारे बच्चों महान यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने समान कोणिक त्रिभुज से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य का प्रतिपादन किया। और समान कोणिक त्रिभुज से संबंधित वो जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम देख लेते हैं कि क्या है। वह हमारे पास कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में समान कोणिक है, यानी कि उनके कोण तो संगत कोण तो समान है ही है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं या फिर संगत भुजाओं
का अनुपात सदैव समान रहता है। तो ये समान कोणीय त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य का प्रतिपादन किया। किसने किया? यूनानी गणितज्ञ थेलेस ने किया। और अपने इस तथ्य को प्रूव करने के लिए उन्होंने आधारभूत समानुपातिकता परिमेय, जिसको हम थेलेस थ्योरम भी बोलते हैं, अपने इस तथ्य का प्रतिपादन जो उन्होंने किया उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने आधारभूत समानुपातिकता परिमेय या फिर थेलेस थ्योरम का प्रयोग किया। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो 6.2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है हमारा आधारभूत समानुपातिकता परिमेय या फिर थेलेस थ्योरम और इसका विलोम। तो उससे संबंधित हम बेसिक यहां पे कर रहे हैं। अब जो थेलेस थ्योरम है उसको अच्छी तरह से समझने से पहले हम थेलेस थ्योरम या फिर आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से संबंधित एक क्रियाकलाप करते हैं, ताकि हमें ये जो थ्योरम है वो बेहतर ढंग से समझ में आ सके। पहले बच्चों, अब हम थेलेस थ्योरम से संबंधित एक क्रियाकलाप करते हैं। हम एक कोण लेते हैं, कोई भी कोण आप ले सकते हैं। तो हमने ये कोण ले लिया एक्स ए और वाई। अब इस कोण की जो भुजा ए एक्स है, इस पे हमने कुछ पॉइंट्स लिए। ये थोड़ा बड़ा मैं इसे कर रहा हूं ताकि आपको नजर आ जाए। पी क्यू डी आर, और मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, और सी। यहां पे हम एक्स लगा रहे हैं, इधर से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, यहां पे हम वाई लगा रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक कोण लिया एक्स ए वाई, इसमें जो भुजा ए एक्स है इसमें कुछ पॉइंट्स लिए पी क्यू डी आर और सी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने पी क्यू आर एस टी क्यों नहीं लिए, इसको लास्ट में बताऊंगा मैं। फिलहाल आप सिर्फ ये माने कि हमने 5 पॉइंट इसमें ले लिए। वो किस तरह से पॉइंट है कि ए पी, ए से पी तक, पी क्यू क्यू डी डी आर और आर सी, ये सारे के सारे बराबर है। तो ये हमने पॉइंट इस तरह से लिए। अब हमने क्या किया, सी पॉइंट से एक रेखाखंड खींचा जो कोण की भुजा ए वाई को बी पर प्रतिच्छेद करता है। हमने क्या किया, सी पॉइंट से एक रेखाखंड खींचा जो भुजा ए वाई को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब हमने क्या किया कि BC के समांतर, ये जो BC है, जो हमारे पास BC है, इसके समांतर हमने एक रेखा खींची बिंदु D से, इसके समांतर DE। हम लिख सकते हैं कि BC समांतर है किसके, DE के। तो ये हमारी BC है और जो DE है वो आपस में समांतर है। पहले बच्चों, अब आप क्या करेंगे, AD बटे में BC, ये देखिए हमारे पास कितना होगा AD बटे में DC। अब देखो AD यहां तक एक हिस्सा, दो हिस्से, तीन हिस्से है, क्योंकि सारे बराबर हैं और
और डी सी, डी से आर तक एक हिस्सा और आर से सी तक एक हिस्सा, तो एक और एक दो, दो हिस्से ही है। तो ये हमारे पास तीन अनुपात दो है ए डी बटे में डी सी। अब आप इसी तरह से ए ई मापेंगे, स्केल की सहायता से आप ए ई को मापेंगे, इसी तरह से ई बी को मापेंगे, ई बी को मापेंगे। जब आप इसका अनुपात निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा, तीन अनुपात दो। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए डी बटे में डी सी और ए ई बटे में ई बी, ये हमारे पास तीन अनुपात दो के बराबर है। तो इस क्रियाकलाप से हमने क्या देखा कि बी सी समानांतर है डी ई के, बी सी समानांतर है डी ई के। तो यहां से जो ए डी बटे में बी सी है और ए ई बटे में ई बी है, ये समान अनुपात में होंगे। ये जो क्रियाकलाप है इसको हम एक परिमेय की सहायता से, थ्योरम की सहायता से भी प्रूव करेंगे, और उस थ्योरम का नाम है आधारभूत समानुपातिकता परिमेय, या फिर शॉर्ट में थेल्स परिमेय या थेल्स थ्योरम, जो कि हम अपने अगले वीडियो में प्रूव करेंगे। तो यहां से हमने क्या देखा कि एक त्रिभुज है हमारे पास एबीसी, ये इस त्रिभुज एबीसी में हमने भुजा बीसी के समांतर एक रेखाखंड डीई खींचा, जिसने त्रिभुज की बाकी की दो भुजाओं को डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। हमने क्या किया, त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर हमने एक रेखाखंड खींचा डीई त्रिभुज के अंदर, जिसने इसकी त्रिभुज की बाकी की दो भुजाओं को डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो इससे क्या हुआ कि इस रेखाखंड ने जो बाकी की दो भुजाएं हैं उसको समान अनुपात में विभाजित किया, एडी बटे में डीसी और एई बटे में ईबी, जो कि हमने एक्टिविटी के थ्रू, क्रियाकलाप के थ्रू आपको दिखाया। तो इस चीज को हम अपनी थेल्स थ्योरम में अपने अगले वीडियो में प्रूव करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहां पे ये पॉइंट्स इस तरह से क्यों लिए थे, पी क्यू आर क्यों नहीं लिया था, फिर आगे आर लेके डी लेके आर लेके सी, ऐसे इस वजह से किया था कि एक ट्रायंगल एबीसी हमें मिल जाए और एक समांतर रेखा हमें मिल जाए, रेखाखंड मिल जाए डीई, ताकि अगली थ्योरम के साथ हम इसको रिलेट कर पाए। तो इस वजह से हमने इसको इस तरह से लिखा है। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास 6.2 के लिए बेसिक, जिससे कि हम जो थेल्स थ्योरम है और जो उसका विलोम है उसको अच्छे तरीके से समझ सके। हमने इस वीडियो में किया त्रिभुजों की समरूपता का नियम, इसके साथ साथ त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हों, दो त्रिभुजें समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समान उपाती हों। उसके बाद हमने समान कोणिक त्रिभुज कौन सी होती है, दो त्रिभुजें समान कोणिक होंगी यदि उनके संगत कोण बराबर हों। फिर उसके बाद हमने यूनानी गणितज्ञ थेल्स के बारे में बताया कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसका प्रतिपादन किया, क्या कि समान कोणिक त्रिभुजों में जो संगत भुजाएं होती है वो हमेशा समानुपाती होती है। और फिर जो थेल्स थ्योरम है उसके प्रूफ से पहले उसको एक्टिविटी के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास 6.2 के लिए बेसिक। थैंक यू वेरी मच।